हापुड़ के एसडीएम दिग्विजय सिंह ने तीन गांव में 55 लाख रुपए की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। कब्जा मुक्त कराने के पश्चात जमीन पर एसडीएम ने बोर्ड भी लगवाया, साथ ही कब्जा करने वालों को भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी दी। एसडीएम का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनपद हापुड़ के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। जमीन को कब्जा मुक्त कराने के उद्देश्य से हापुड़ के एसडीएम दिग्विजय सिंह ने तहसील प्रशासन की टीम के साथ तीन गांव में सरकारी जमीन को मुक्त कराया। इस दौरान कुल मिलाकर 60-72 रकबा भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए बताई जा रही है। कब्जाधारियों ने भूमि पर खेती के साथ बाग भी लगाया हुआ था। जिला प्रशासन की ओर से चलाए गए इस अभियान में अच्छेजा, खड़खड़ी और गांव सादिकपुर में अवैध कब्जे को हटवाया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। घर से कसम ला के और नीचे गाड़ दिए। सीमेंट वो ही शिकायत करता है, इसीलिए हम बोले थे। लेकिन कागज मतलब शिकायत करने का ये एक्शन किया, वो शिकायत ही कर रहा है कि इनका ये जो दूसरी पार्टी है ये कागज जमीन के नाम से थी जमीन इनके कब्जे। चलो पीछे घर से कसम ला के और नीचे गाड़ दिए। सीमेंट वो ही शिकायत करता है, इसीलिए हम बोले थे। लेकिन कागज मतलब शिकायत करने का ये एक्शन किया, वो शिकायत ही कर रहा है कि इनका ये जो दूसरी पार्टी है ये कागज जमीन के नाम से थी जमीन इनके कब्जे। चलो पीछे घर से कसम ला के और नीचे गाड़ दिए। सीमेंट वो ही शिकायत करता है, इसीलिए हम बोले थे। लेकिन कागज मतलब शिकायत करने का ये एक्शन किया, वो शिकायत ही कर रहा है कि इनका ये जो दूसरी पार्टी है ये कागज जमीन के नाम से थी जमीन इनके कब्जे। चलो पीछे घर से कसम ला के और नीचे गाड़ दिए। सीमेंट